शिवानी ने औरैया का नाम क्यों नहीं लिया, कानपुर का क्यों ले दिया? भाई औरैया जनपद के लोग इस बात से नाराज हैं कि शिवानी ने बिग बॉस के अंदर कानपुर का नाम लिया, औरैया का क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब देने के लिए शिवानी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से कहा ये जा रहा है, औरैया जनपद के लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी ने औरैया का नाम क्यों नहीं लिया, कानपुर का क्यों ले दिया? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं लंबी दूर, तो क्या आप औरैया का नाम लेते हैं? पहले अपने गांव का नाम लोगे तो लोग पूछेंगे किस जगह पड़ता है, तब औरैया जिला लोगे या कानपुर लोगे या इटावा लोगे। हर आदमी नहीं जानता ना, बाहर के बम्बई है, कलकत्ता है, कि औरैया कहाँ है। तो अगर शिवानी ने लिया तो स्टेट का नाम लिया, कोई गलत नाम तो लिया नहीं। फिर उसके बाद अंदर तो उसने हरियाणी औरैया सारे नाम लिए थे, ऐसा कौन सा? बहुत से लोगों ने देखा है कि हाँ नाम लिया है। जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, कहीं दूर मान लो, कहीं भी मान लो, तो अपने गांव का नाम लोगे तो लोग नहीं जानते। हमसे भी बहुत से लोग आते मिलने, हम बोलते हैं कि मैं फला गांव का, तो हम बोलते हैं किस जगह पड़ता है, तो लोग अपने जिला का नाम लेते हैं, स्टेट का नाम लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश का ही नाम लेते हैं, अपने जिले का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के लोग सपोर्ट करेंगे इससे? हाँ, सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो कैसा आप सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है और मुझे उम्मीद है इस बार भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस बार भी नॉमिनेट है, वोटिंग कैसी जा रही है? बढ़िया वोटिंग होगी, वो उम्मीद है कि शिवानी जीत के आएंगी। हम लोग अपनी पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात एक कर रही है, और यूपी की बात है ना, उत्तर प्रदेश की, तो जीत के तो आना ही है। अच्छा, जैसे जो कल विवाद हुआ कृतिका मलिक से, तो ये इस फैमिली से किस तरह देखते हैं? अरमान से भी विवाद हो चुका शिवानी का, इससे पहले बीवी जो निकल गई उनसे भी झगड़ा हुआ, तो कैसे देखते हैं इस फैमिली को? ऐसा है, उसमें देखना कुछ नहीं है, लेकिन ये तो खेल है, लोग खेलते हैं उसमें, यही काम है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की टिप्पणियाँ करना है, तो इसमें बुरा नहीं। हम लोग मानते हैं, लेकिन मानने वाले लोग ऑडियंस है, कभी कभी मान जाती है। पौलमी को लेके क्या कहेंगे? पौलमी से भी हुआ था, उग्र पड़ी थी उसके लिए क्या कहेंगे पौलमी के लिए? भाई हाँ, घर में कुछ भी हो सकता है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। लेकिन विशाल और जो कटारिया, इन दोनों से इतनी कैसे बन रही शिवानी की? हाँ, वो शिवानी की और विशाल की, कटारिया की और सना मकबूल, नाम है, हम तो नाम दो है ना, अच्छी बन रही उनसे। शुरू में लग रहा था नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बन रही उनके साथ। अच्छा खेल रही है और सपोर्ट करते एक दूसरे का। अब की बार लेकिन तीनों लोग बाहर कर दिए गए हैं नॉमिनेट, अब देखो क्या होता है, उसमें कौन जाता है। तो एक तो बार, एक को तो बार होना ही होना, ये तो बात सही है। तो कैसे जश्न मनाएंगे अगर आती हैं जीत कर? तो अगर जीत के आएंगी तो हमने कई वीडियो में बोला है और अपने भी यूट्यूब वाले चैनल पे बोला, शिवानी वाले भंडारा होगा, भंडारा कराएंगे, जबरदस्त भंडारा होगा। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मठा गालू और भंडारों की बात चलती है। हाँ, मठे गालू बनेंगे और क्या। एक गाना भी रिलीज हुआ है, इसमें भी मठा गालू। हाँ, एक भैया ने गाना भी रिलीज किया, उसमें भी मठे गालू का किया है, मठे गालू जीत गए। मठे गालू प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में भाई। तो अच्छा लग रहा है, खुशी है, खुशी का माहौल है घर में। हाँ, बहुत अच्छा है। तो हर रोज बिग बॉस चलता है घर पे? हाँ, डेली चलता है, शाम को डेली।